दो नावों पर पैर रखने वाला ना इधर का होता है और ना ही उधर का। वही हाल टेस्ला का होने वाला है, क्योंकि अब एलन मस्क एक तरफ तो भारत के बड़े बाजार में प्रवेश करके ढेरों रुपया जुटाने का सपना देख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ चीन को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि टेस्ला बिना निवेश के भारत से मुनाफा कमाना चाहता है, लेकिन यहाँ टेस्ला ये भूल गया है कि इस आधुनिक युग के भारत में उनका तिगड़म विफल हो जाएगा, क्योंकि अब भारत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ आगे बढ़ रहा है। यानी कि सिर्फ मुनाफे के लिए जो भारत में प्रवेश पाना चाहते हैं उन कंपनियों और उन देशों के लिए भारत ने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए और सख्त संदेश भी दे दिया है। और ये भारत के संदेश इतने सख्त हैं कि टेस्ला की चीखें निकल गई हैं, क्योंकि अब एलन मस्क को ये समझ आ गया है कि भारत में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन अभी भी एलन मस्क का अहंकार सातवें आसमान पर है, और अब यही अहंकार एलन मस्क भारत को दिखाना चाहते हैं। लेकिन एलन मस्क ये भूल चुके हैं कि जिस देश में वह रहते हैं यानी कि अमेरिका, वो आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर सामने आया है। और इससे पहले चीन सबसे बड़ा भारत का ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन जिस तरह चीन के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंध हाल ही में दिख रहे हैं उसने एक पल में ही सब कुछ पलट कर रख दिया है। चीन को भी अहंकार था और आज उसको भारत ने आईना दिखा दिया है। यहाँ अमेरिका भारत में निवेश करके भारत से दोस्ती बढ़ाने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क अपनी दौलत का घमंड भारत को दिखाने में लगे हैं। और ये सब चल ही रहा था उसी दौरान टेस्ला के सीईओ यानी कि एलन मस्क ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाने के संकेत भी दे दिए हैं, और उन्होंने बकायदा इसके लिए ट्वीट भी किया कि जब तक कंपनी को पहली बार भारत में इम्पोर्ट कारों को बेचने और सर्विसिंग करने की अनुमति नहीं दी जाती तब तक वहाँ कार प्लांट स्थापित नहीं हो सकता है। इससे साफ है कि एलन मस्क भारत में अच्छे भविष्य की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, और जिस तरह जियोपॉलिटिक्स में बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे एलन मस्क का ये फैसला उनको भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह अमेरिकी कंपनियां रूस से भाग रही हैं वही हाल टेस्ला का चीन में होगा, क्योंकि चीन भी उसी रास्ते पर है और टेस्ला चीन का दामन छोड़ना नहीं चाहता है। वैसे भी भारत का जो भविष्य है वो दुनिया के देशों ने पहचान लिया है, तभी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां भारत में एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-5 साल के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही हैं। लेकिन टेस्ला को वो समझ नहीं आ रहा है जो उसको आगे चलकर सदी का सबसे बड़ा झटका देने वाला है। तब उसको बचाने के लिए ना उनका देश अमेरिका होगा ना ही भारत का बड़ा बाजार होगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वैसे भी दिया बुझने से पहले बहुत तेज जलता है। वही हाल अब एलन मस्क का होने वाला है।